बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है एमान कुरैशी। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो आप चाहते हैं कि अपने पिक्चर के बैकग्राउंड को कैसे ब्लर करें और बिना टाइम ज़ाया किए। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे यह है कि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशन के बारे में और आने वाली न्यू टिप्स के बारे में, वीडियो के बारे में मालूमात हासिल होगी। चलिए हम प्ले स्टोर में चलते हैं। यहाँ पे सर्च किया, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी आ रहा है टेलीपोर्ट ब्लर। ये ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको बिना मेहनत किए ज़्यादा ऑटोमेटिक आपकी पिक्चर के बैकग्राउंड को ब्लर कर देगी। टेलीपोर्ट ब्लर ये आप सर्च करेंगे तो फौरन सामने आपके आ जाएगी प्ले स्टोर के। अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुए है। सो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि आया ये ऑटोमेटिक अच्छे ग्राफिक से ब्लर करती है कि नहीं। हमने इसको ओपन किया, वरना आप ज़्यादातर देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, उसके ब्रश यूज़ करना पड़ते हैं या फिर उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी वेस्ट होता है। इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। गैलरी में जाके मैं पिक्चर यूज़ करूँगा अपनी, माय DSLR पिक। इसमें जाके कोई सी भी आप पिक्चर ले सकते हैं, जैसे मैंने अपनी ये पिक्चर यूज़ की। इसमें सेलेक्ट किया जितना भी हिस्सा आपको ब्लर करना है, और इसके ग्राफिक जितने अच्छे होंगे तो उतनी अच्छी ब्लर होगी इसकी ये क्वालिटी। यूज़ करने का ये तरीका है, ज़्यादा इसमें फंक्शन नहीं है। इसमें आपको बस ये करना होगा कि आपको ज़्यादा शार्प ब्लर करना है या फिर लाइट ब्लर करना है। आप इसको इजीली क्लिक कर सकते हैं, या आप नीचे देख सकते हैं कि अगर ये देखो मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो ये डार्क ब्लर हो जाएगा, और मैं इसको लाइट करूँगा तो लाइट ब्लर हो जाएगा। बैकग्राउंड पे देख सकते हैं आप। इसमें हमें किसी भी टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ रही है, और ना ही किसी ऑप्शन की ज़रूरत पड़ रही है। ये ऑटोमेटिक इसमें ब्लर आ गया, और ये मेरे पिक्चर के बैकग्राउंड पे देख सकते हैं आप, ब्लर कम या ज़्यादा जितना भी करना हो, XYZ कोई सी भी पिक्चर ले सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि DSLR की हो, आपकी मोबाइल से पिक ली हुई वो भी, उससे आप आसानी से उसके बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको मोबाइल की तस्वीर दिखा सकता हूँ कि हमने किसी मोबाइल की तस्वीर खींची हो और उसको हमें ब्लर करना हो। जैसे ये मोबाइल की तस्वीर है, इसमें हम सेलेक्ट किया और वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे करते हैं एड्स आते हैं, एड्स को आप हटा सकते हैं। ये मोबाइल की पिक्चर है, थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 सेकंड 2 सेकंड, इससे आप परेशान नहीं होइएगा। जैसे आप देख सकते हैं इसके चेहरे पे कोई ब्लर नहीं आया, यानी कि इसने फोकस किया है बैकग्राउंड को। इसको हम ज़्यादा करके देखते हैं, ये देखें अब ज़्यादा हो गया, और इसके ग्राफिक भी अच्छे हो गए और पिक्चर भी अच्छी हो गई। जैसे हम कहीं भी सेल्फी लेते हैं उसका बैकग्राउंड सही नहीं होता, या फिर फैमिली की अगर किसी की पिक्चर आ जाती है तो हमें ब्लर करना हो तो ऑटोमेटिक ब्लर हो जाता है। और इसको हम लाइट करना है, ये लाइट हो गया, ये मीडियम हो गया, ये थोड़ा डार्क करना हो, शार्प करना हो तो ये डार्क हो गया। अगर हमें सेव करनी हो तो ये ऑप्शन इस बिल्कुल आसान ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्री है और काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। हम इसको सेव करेंगे तो ये सेव
पिक्चर अब हमें शेयर करनी हो फेसबुक पे तो डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे वैसा सेव कर सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट मोबाइल के ऑप्शन में गैलरी में सेव करनी है। ये सेव हो चुकी है। सो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये एप्लीकेशन काफ़ी पसंद आई होगी और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने इस्तेमाल में लीजिए। सो दोस्तों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।